हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे। और आज हमारे खेत पर सभी लोग आए हुए हैं और सरसों की कटाई के लिए आए हुए हैं। ये 2 बीघे मेरा खेत है इधर रोड की साइड, उस पर हम लोगों ने सरसों उगाई हुई थी और ये सरसों पक गई है। उसको मतलब हम लोगों ने काट कर और एक जगह ढेर लगा लिया था। उसके बाद ये सरसों की कटाई चल रही है। हम भी, ये सचिन भारती जी हैं, ये सरसों पकड़ा रहे हैं। और ये हमारी भाभी जी हैं, ये पापा जी हैं खड़े हुए। और ये आकांक्षा है, ये बोरी में सरसों भरने का काम कर रही हैं। और ये अतुल है, ये भी मौक पकड़ा रहा है, सरसों को उठा उठा के उसमें उनको दे रहा है मौक लगाने वाले को। ये मैं भी, देखिए आप, मैं भी उठा उठा के लेके जा रहा हूँ और उनको पकड़ा रहा हूँ। ट्रैक्टर भी चालू है और थ्रेसर भी चालू है, जिससे सरसों निकल रही है बाहर को। और आप देख सकते हैं, ये हमारी बड़ी भाभी जी हैं और ये अतुल है, ये सरसों उठाकर, ये देखिए मैं भी उठा के लेके आया हूँ। मैं भी उन सरसों को उसी थ्रेसर के ऊपर रख रहा हूँ, जिससे कि इससे कटाई हो और सरसों जल्दी से जल्दी निकले। और काफ़ी मेहनत पड़ती है भाई, काफ़ी गर्मी भी है, आज टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और पसीना भी निकल रहा था। ये हमारे पिताजी हैं, ये बोरी पकड़ने का काम कर रहे हैं और भाभी जी सरसों उसमें भरने का काम कर रही हैं। और ये आप तो देख ही सकते हैं, सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और ये विनीत है, वो भी उठाकर लेके आया है, वो भी उठा के सरसों को पकड़ाएगा वहाँ पर। और ढेर भी लगा हुआ था एक ही जगह। और भाई आप लोग देख सकते हैं ना, काफ़ी मेहनत पड़ती है तब कहीं जाकर सरसों, प्योर सरसों का तेल खाने को मिलता है। और आप देख सकते हैं सरसों अच्छी सी है, ब्लैक कलर की सरसों है। और देख सकते हैं कितने अच्छी अच्छी सरसों निकल रही, एकदम साफ सरसों निकल रही है। और धीरे धीरे आप देखो, पकड़ के भी दिखाया मैंने आपको, आप थोड़ी सी हरी है, ये सूख जाएगी सरसों, इसमें कलर आ जाएगा। और ये थ्रेसर देख सकते हैं, थ्रेसर भी चल रहा है, जिसे कटर बोलते हैं हम लोग। और ये बोरी तुरंत तुरंत इसलिए बांधते जा रहे हैं, जैसे कि सरसों का बोरी पलट ना जाए और सरसों बिखर ना जाए। और ये फार्मर ट्रैक्टर है और ये इसमें काफ़ी दम होता है, ये ज़्यादा मतलब पावर का ट्रैक्टर होता है और ये तभी ये कटर का लोड उठा पाते हैं। ये आप ढेर देख सकते हैं, सामने से भूसा निकल रहा है और यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ होता है, जिससे सरसों फेंकती रहती है साफ होकर। ये भूसा निकल रहा है सामने से, भूसा ये भट्टे पर जाता है, जो ईंट पकने का काम होता है, मतलब तो ईंट पकाई जाती है भूसे से। और ये ट्रैक्टर बहुत बारीकी से मैंने ये वीडियो बनाया है और यहाँ से देख सकते हैं आप, मतलब काफ़ी, मतलब गाँव आप लोकेशन देख सकते हैं, ये सेवारामपुर रोड पर ये कार्य चल रहा है और हम लोग वहीं पर हैं। और हमारे गांव से होगा करीब 200 मीटर दूरी पर। और सरसों की कटाई भी चरम सीमा पर, लास्ट सीमा पर है, थोड़ी सी सरसों रह गई है और वो भी कट जाएगी। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर की सरसों निकल रही है। भाइयों नमस्ते।